हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे स्टील प्लांट में सीसीएम के बारे में। सीसीएम के बारे में मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसबीओ। वो उधर से सब कुछ ऑपरेशन होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सीसीएम में कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन के बारे में, इसमें पार्ट इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग फॉर इलेक्ट्रिकल्स में पार्ट 41 है आज का। ओके, आज उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, एसबीओ बोलेगा तो स्ट्राइट बैंक ऑपरेटर। जो ब्लेड आता है ना सीसीएम में, उसको स्ट्राइट बैंक में करके वहां से डिस्पैच करने का इसका काम है। जैसे ब्लेड को आप रोलर टेबल से ऑपरेट करके पूरा डमी बर ऊपर करने के बाद पुस्तर के पास जाके डमी बर से वो ब्लेड जो है डिस्पैच हो जाता है, उसके लिए अपन ये एसबीओ यूज़ करता है। ये एसबीओ जो स्टैंड के सामने ऑपरेटर रहता है उसको एसबीओ ऑपरेटर बोलते हैं। बहुत सारा एसबीओ ऑपरेटर को ये नहीं मालूम एसबीओ का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारा क्या है, 90% आदमी को नहीं मालूम है। कोई भी इंटरव्यू में एसबीओ इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछेगा, अरे एसबीओ बोल रहा है, आप ऑपरेटर बोल रहे हैं, एसबीओ का फुल फॉर्म क्या बोलेगा। तो आपको बोलने के लिए आपको मालूम होना एसबीओ बोलेगा तो सर स्ट्राइट बैंक ऑपरेटर, कम से कम इतना तो बोल देंगे। एसबीओ का कहीं भी 20,000 तो सैलरी मिल रहा है, किंतु उसका ये नहीं मालूम है स्ट्राइट बैंक ऑपरेटर एसबीओ का फुल फॉर्म क्या है। ओके, उसमें क्या क्या रहता है, वो उसका पैनल में वो ऑपरेट क्या क्या करता है आज डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, इसमें रोलर टेबल्स रहता है। मैं एक स्टैंड के लिए अप्लाई बोलूँगा, ये दूसरा स्टैंड सेम ऐसे ही रहता है। एक स्टैंड के लिए पहले देखिए, एक स्टैंड में क्या है, एक स्टैंड में अपन क्या क्या रहता है उसमें, इंच फॉरवर्ड इंच रिवर्स, जो डमी बार को आप ऊपर नीचे करते हो उसको इंच फॉरवर्ड इंच रिवर्स। हाँ, उसके बाद रोलर टेबल RT1, RT2, RT3। RT1 में क्या है, प्री कट ऑफ रोलर टेबल है। ओके, उधर से ब्लेड कटिंग होगा, RT2 से RT3 से जाके आपको ब्लेड एरिया में जाएगा। वहाँ से क्या करते हैं, विड्रॉल एंट्री एग्जिट रहता है इसमें, विड्रॉल एंट्री एग्जिट। ये क्या है, अप और डाउन, एंट्री में भी अप डाउन, एग्जिट में भी अप डाउन रहता है। उसके बाद डमी बार का अप डाउन बोलेगा तो, जो डमी ब्लेड को लेके आता है ना, डमी बार बोलेगा तो डमी ब्लेड है। डमी ब्लेड किसके लिए यूज़ करता है, जो लिक्विड मेटल है वो सॉलिड होता है, वो सॉलिड को अपन को खींच के लेके आने के लिए डमी बार यूज़ होता है। वो डमी बार वंस कटिंग हो गया उसको क्या करना, डमी बार को अप करके ऊपर में रख देना। अप करके ऊपर में रखने के लिए ये डमी बार अप डाउन का बटन यूज़ होता है। ओके, डमी बार अप डाउन कर सकते। उसके बाद पुसर बोलेगा तो आपको जो ब्लेड है वो ब्लेड जाके सीधा ब्लेड एरिया में, पुसर एरिया में जाता है, उसके लिए अपन पुसर यूज़ करते। आगे बोलेगा तो आगे कर देते, आगे करने के बाद डमी ब्लेड को आगे करने के बाद फिर पीछे लेने के लिए पुसर यूज़ होता है। ये है। उसके बाद हाई लो बोलेगा तो क्या है, डमी बार को जब आप ऊपर लेके जाओगे विड्रॉल एंट्री एग्जिट को, प्रेशर को हाई में रखना है। ये हाई में प्रेशर कभी भी 40 kg से नीचे नहीं रहना चाहिए, 40 kg/cm² से नीचे कभी भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद लो में ये कभी भी 10 से 15 के बीच में रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रोमोडिटी आता है, क्रैक्स आता है, बहुत सारा चीज़ ब्लेड भाग जाता है, ये सब कुछ बहुत सारा चीज़ है। हाई लो का सब लोग हल्का लेता है, किंतु इसके बारे में बहुत जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम चलने के लिए हाइड्रोलिक मोटर होना है ना, एक तो स्टॉप स्टार्ट एक नंबर, स्टॉप स्टार्ट दो नंबर, दो मोटर्स रहता है। एक मोटर का हमेशा यूज होता है, एक मोटर आपको स्पेयर में होता है। ये आपका एसबीओ का फुल है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंड वन का है, स्टैंड टू का, स्टैंड टू में सेम है, स्टैंड वन में जो बताया स्टैंड टू में भी वैसा ही रहता है। ठीक है,
आई होप दैट आप लोग को सब समझ में आया होगा। आप लोग बहुत आदमी है मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तक नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसा अच्छा अच्छा वीडियोस अपन डालते रहेंगे। ओके, अपन चैनल बहुत स्पीड में ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ अपन बंद नहीं करेंगे। अभी तो का अपन बहुत क्रास हो रहा है, ठीक है, अभी जल्दी अपन पहुंचने वाला है, 1000 भी पहुंच जाएंगे, 4000 सब्सक्राइबर वॉच टाइम भी पहुंच जाएंगे, देखिएगा विद इन 1 मंथ में मैं वादा देता हूं अपन पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके बाय।